हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और मैं आपका अपने ट्विंस बेबीज मम्मा डॉट कॉम चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्पेशली ट्विंस मॉम के लिए है, और जो नई नई अभी ट्विंस मॉम बनी है या जो ट्विंस मॉम बनने वाली हैं। और मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ट्विंस मॉम बनने के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है ब्रेस्ट फीडिंग को लेके। जी हाँ, उस समय हम जो है नए नए ट्विंस मॉम बनते हैं और हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं क्योंकि हमें किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो जब मैं भी नई नई ट्विंस मॉम बनी थी तो मुझे भी बहुत सारे सवाल परेशान करते थे जिनका मैं यूट्यूब पे जो है सर्च करती थी, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिलता था जिससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो इस समय मेरे बेबी 15 महीने के हो चुके हैं, तो अब मुझे काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। तो मैंने सोचा कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है वो हर ट्विंस मॉम को ब्रेस्ट फीडिंग से लेके होती हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों की थोड़ी सी समस्या दूर हो जाए, थोड़े से सवाल का जो डाउट रहता है मन में वो भी क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन कौन से सवाल है जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। जैसे कि पहला सवाल है कि क्या मैं दोनों बच्चों को कंटिन्यू फीड कराऊं, क्या मेरी जो है मिल्क से दोनों बच्चों का पेट भरेगा, या फिर मैं एक को ही कंटिन्यू कराऊं और एक को ऊपर का दूं, या फिर मैं ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ दोनों को ऊपर का भी दूं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो हमें काफी परेशान करते हैं, और तो मैं आज आपको काफी हद तक क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपका जो मिल्क जो है अच्छा खासा प्रोड्यूस हो रहा है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है पिलाने में या कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आपको जो है दोनों को कंटिन्यू पिलाना है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है कि आप एक को पिला रही है एक को नहीं पिला रही है। देखिए, शुरुआत का जो स्टार्टिंग के जो 6 मंथ होते हैं उनमें सिर्फ बच्चे के लिए माँ का दूध ही चाहिए होता है, जो कि बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। आपको जो है कंटिन्यू बच्चे को 6 मंथ तक अपना ही दूध पिलाना है। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बस आपको एक काम करना है कि आपको अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा खिलाई पिलाई करते रहना है और दूध वगैरह भी लेते रहना है, जिससे कि बच्चों को दूध पिलाते समय कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि शुरुआत में बच्चा बहुत ज्यादा नहीं पी पाता है, थोड़ा ही थोड़ा करके पीता है, तो आपने देखा होगा कि अक्सर दूध जो है टपकने लगता है, उस समय दूध बहुत ज्यादा ही बनता है। तो इसीलिए मैं आपसे स्पेशली कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, कभी कभी तो दूध इतना ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है कि दूध इतना बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं एक चीज और आपको बता दूं कि 3 महीने का बच्चा, 4 महीने का बच्चा, 5 महीने का या 6 महीने का बच्चा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, तो आप आराम से दूध पिला सकती हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं। मैं भी पहले शुरुआत में ये सोचती थी, लेकिन जब मुझे धीरे धीरे टाइम बीता गया तो मुझे भी पता चलने लगा, तो इसीलिए मैं आपको ये सब अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। आप आराम से दोनों बच्चों को फीड कराइए। और एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि आप दोनों बच्चों को जितनी बार वो चाहे उतनी बार फीड कराइए। आप जितना बच्चों को दूध पिलाएंगे आपका जो मिल्क है उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, और एक चीज और है कि आपको बच्चों को नाइट में दूध जरूर पिलाना है। नाइट में अगर हम बच्चों को फीड कराते हैं तो जो है मिल्क और ज्यादा बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और आपको जो है लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना कि बच्चों को ऊपर का दूध दे नहीं तो बच्चों का पेट नहीं भरेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है, बच्चों का पेट जो है आराम से भर जाता है, क्योंकि मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, बच्चे जो ट्विंस बेबी होते हैं वो हर समय दूध नहीं पीते हैं, वो लगभग 1 से 2 घंटे के बाद दूध पीते हैं। ठीक है, इस बीच में हमारा जो मिल्क होता है वो आराम से प्रोड्यूस होता रहता है। ठीक है, और शुरू शुरू में आप एक चीज और फेस करेंगी कि आप अगर मिल्क नहीं पिलाती हैं काफी देर तक, या फिर तो आपका जो मिल्क है वो खुद ही टपकने लगता है। ठीक है, और शुरुआत में मिल्क बहुत ही ज्यादा बनता है। इसका रीजन होता है कि हम उस समय जो है हरीरा वगैरह खाते हैं, दूध पीते हैं और दलिया वगैरह लेते हैं, दाल वगैरह खाते हैं, तो इनसे दूध बहुत ही अच्छा प्रोड्यूस होता है और उस समय बच्चों को बहुत ज्यादा दूध की जरूरत भी नहीं होती है। तो अगर आपका मिल्क जो है अच्छे से आ रहा है तो आप आराम से दूध पिलाइए। और एक चीज और आपको बताऊंगी कि जो आपसे कहा जाता है कि बच्चों को ऊपर का दूध पिलाइए, तो जो आप बच्चों को ऊपर का दूध देने वाली थी वो आप दूध खुद पिए। ठीक है फ्रेंड, आप जितना बच्चों के लिए मंगाएंगी, जो जितना भी मंगाए आप वो दूध खुद पिए। ठीक है, क्योंकि आपको उस समय दूध की जरूरत होती है और बच्चों को आपके दूध की जरूरत होती है, तो इससे क्या होगा, दोनों माँ बच्चे का बैलेंस आराम से बराबर बना रहेगा। ठीक है, और एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि जब ट्विंस मॉम बनने के बाद जो हमारा दूध जो है धीरे धीरे बनना कम हो जाता है,
उसका रीजन ये होता है कि हम जो है खिलाई पिलाई करना बंद कर देते हैं, अपनी अपना ध्यान रखना बंद कर देते हैं, दूध वगैरह लेना बंद कर देते हैं। यही रीजन होता है कि ज्यादातर आपने शिकायत सुनी होगी कि हमारा धीरे धीरे दूध कम होने लगा, ठीक है। और तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप मिल्क पिला रही हैं बच्चों को तो आपको खिलाई पिलाई जरूर करनी है। तो आई होप ये छोटी सी मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी। और हाँ, अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि हमें जो अपना मिल्क जो कंटिन्यू देना होता है वो बच्चे को सिर्फ 6 महीने ही देना होता है। उसके बाद में क्या होता है कि बच्चा धीरे धीरे ऊपर की चीज खाना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे पानी वगैरह भी पीने लगता है। तो फिर बाद में क्या होता है कि बच्चा धीरे धीरे फीड भी लेना कम कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपका मिल्क अच्छे से आ रहा है तो आप आराम से पिलाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। और हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तभी आप बच्चों को ऊपर का दीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप आराम से पिलाइए, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।